हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये टीचर्स डे मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक मैंने टीचर्स डे के लिए किया है। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तो चलिए देख लेते हैं, मैंने काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ ये मेकअप किया है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम, और मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। मैं यहाँ पर पॉन्ड्स बीबी क्रीम लगा रही हूँ, अच्छे से इसे फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर। और इस कंसीलर को भी मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि गाइज, मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स से ही यूज़ करूँ, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और अच्छे ब्रांड के भी हों ये मेकअप प्रोडक्ट्स। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक्सपोली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी, और उसके बाद मैं इस ब्राउन कलर की पेंसिल से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। गाइस, बहुत अच्छी पेंसिल है ये, कैमलिन की पेंसिल है, और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही नेचुरल लगती हैं आपकी आईब्रोज, और बहुत ही प्यारा शेड है ये। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर हुडा ब्यूटी के पैलेट से बरगंडी शेड, और इसे मैं आउटर वी पर लगाते हुए आगे की तरफ प्लेस करूँगी, और मैं इसे क्रीज लाइन पर भी प्लेस कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैं इसे पूरी आईलिड पर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ क्रीज लाइन एरिया पर और आउटर वी पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक कलर, जो कि मैं अपने आउटर वी पर प्लेस करूँगी, और हल्के से इसे ब्लेंड करते हुए लगा लूँगी मैं, ताकि मेरा जो आई मेकअप है और ज़्यादा अच्छा लगे। और अब मैं ले रही हूँ ये मार्स शिमर आई शेडो पैलेट से ये गोल्डन कलर का शेड पिक करूँगी, और इसे मैं अपनी हाफ आईलिड पर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर म्यूज़िक फ्लावर जेल आईलाइनर। आप चाहें तो विंग्ड आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत ही स्मॉल सा विंग्ड ड्रॉ किया है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल, और गाइज ये भी काफ़ी अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है और स्मज प्रूफ भी है। बहुत ही अच्छा काजल है गाइज, बहुत देर तक आपके आइज पर टिका रहता है, और समर्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा, अब मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। कंटूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि आपका जो फेस है वो थोड़ा स्लिम दिखे, क्योंकि मेकअप की काफ़ी सारी लेयर्स हो जाती हैं, तो उसमें आपका जो फेस है वो काफ़ी हैवी दिखने लगता है। तो इसलिए कंटूरिंग को ज़रूर कीजिए, क्योंकि कंटूरिंग से आपका फेस काफ़ी शार्प लगता है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ब्लश, और बहुत ही लाइट पिंक कलर का शेड लगाया है मैंने ब्लश के लिए, ताकि जो मेरा मेकअप है वो एकदम नेचुरल दिखे। अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ, और इस हाइलाइटर का भी गाइज मैंने अपने चैनल पे रिव्यू शेयर किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है। अपनी लेटेस्ट वीडियो के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं यहाँ पर लिप लाइनर लगा लिया है, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिपस्टिक, ये है पिंक कलर, और बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, आप देख सकते हैं। इन लिपस्टिक का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मेकअप फिक्सर को स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पर। और गाइस, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ हेयर स्टाइल, आप चाहें तो अपने बालों को खुला भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बालों का साइड सेक्शन लिया है, बिल्कुल थोड़े से मैंने बालों का सेक्शन लेके उन्हें ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ उन्हें आपने पिन कर लेना है बालों को अपने। और मुझे इसी तरह का हेयर स्टाइल पसंद आता है, तो मैंने इस तरीके से किया। आपको जो भी पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पर बालों को पिनअप कर लिया है, और गाइस मैंने अपनी एसेसरीज भी पहन ली है। ये मेरा फाइनल लुक है, आई रियली होप कि आपको ये मेरा लुक पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और गाइस, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और गाइज, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कोई चैलेंज देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।